जूनियर सलमान खान यानी आयुष शर्मा की रुस्लान आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आ गई है, तो कैसी मूवी, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, रुस्लान 2 घंटे की मूवी है जिसकी स्टोरी आयुष शर्मा के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिसको उसका पास्ट अंदर से खाया जा रहा है और उसके करंट पिताजी यानी जगवती बाबू, जिन्होंने रुस्लान के पिताजी का एनकाउंटर किया था, उन्होंने बचपन से रुस्लान को पाला और अब रुस्लान अपने करंट पिताजी के खिलाफ जाकर खुद को सही साबित करना चाहता है। वो एक रॉ एजेंट है, ऊपर से छपरी भी है, जिसकी एंट्री भी स्लो मोशन में होती है। अब क्या रुस्लान अपने आप को सही साबित कर पाएगा या उसका भी हो जाएगा अपने पिताजी जैसा हाल, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों, अंतिम देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि आयुष शर्मा में कुछ तो टैलेंट है, वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन जब मैंने रुस्लान देखी, ऐसा लगा कि ये तो खुद सलमान खान की मिमिक्री कर रहा है, ये कैसे अपनी खुद की पहचान बना पाएगा। दोस्तों, लिटरली मैं कह सकता हूँ कि ऐसा चित्र किसी का भाई किसी की जान थी। अरे मतलब कुछ भी, सिर्फ 2 घंटे की मूवी है, उसमें भी मेकर्स मूवी में भटक गए, उन्हें स्टोरी को हैंडल करना ही नहीं आया। ऊपर से हीरोइन भी इतनी पतली है जो हवा में उड़ जाए, फिर भी वो विलन्स को उड़ उड़ कर मार रही है। आयुष शर्मा का कैरेक्टर खुद एक रॉ एजेंट है, फिर भी उसके पीछे पुलिस वाले पड़े हैं, मतलब कुछ भी। पूरी मूवी एक सरदर्द है, जिसमें मैं पूरे टाइम सिर्फ सुनील शेट्टी सर के लिए एक्साइटेड था, बट वो भी एक क्लाइमेक्स में, सिर्फ इतना कहने के लिए कि रुस्लान का मतलब क्या है बस। अरे हीरो से ज़्यादा उनको ही दिखा देते, मूवी अच्छी तो बनती। और मेकर्स को तो अपने इस प्रोजेक्ट पे इतना भरोसा है कि उन्होंने मूवी में एंड क्रेडिट सीन भी डाला है। वाह रे वाह, यहाँ पहले पार्ट का भरोसा नहीं, आप तो दूसरा भी बनाना चाहते हो। दोस्तों, रुस्लान 2 घंटे का सरदर्द है, जिसे आप 1 मिनट भी नहीं झेल सकते। बट हाँ, मूवी में किसी भी प्रकार का इंटीमेट सीन या किसिंग सीन नहीं है, जिस वजह से अगर आप आयुष शर्मा के फैन हो तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। इस मूवी में बहुत सारे फ्लॉज है, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इस मूवी का, वो है इसका एक्शन, लेकिन मेकर्स ने उसे भी स्लो मोशन डाल के खराब कर दिया। पूरी मूवी में अगर स्लो मोशन और गाने निकाल दी जाए तो मूवी सिर्फ 1 घंटे की है, वो भी स्ट्रेच्ड लगती है। पूरी मूवी में आयुष शर्मा डिटो सलमान खान जैसे लग रहे थे, उनके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल सब कुछ सेम लग रहा था, बट एक चीज अलग थी, वो थी आईब्रोज से एक्टिंग करना। आयुष शर्मा दुनिया का पहला ऐसा हीरो होगा जो अपने आईब्रोज से एक्टिंग करता होगा, मतलब हर एक सीन में इस बंदे ने अपने आईब्रोज से अपने एक्सप्रेशंस बयां कर दिए थे। तो ओवरऑल रुस्लान एक टाइम वेस्ट और पैसा बर्बाद मूवी है, जिसे अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से फिर से सिनेमा पंक्ति में, तब तक के लिए गुड बाय। रुस्लान, आई लाइक दैट नेम, मतलब द लायन, गो ऑन योर जंगल।